सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। पिछली क्लास में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ी थी। आज हम इसके ग्रह और उपग्रह के विषय में जानेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई है तो सबसे पहले आकाशगंगा का निर्माण हुआ है। आकाशगंगा के बाद तारों का निर्माण हुआ है। तारों से ग्रहों का निर्माण हुआ है और ग्रहों से उपग्रहों का निर्माण हुआ है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और ये भी जानकारी दी थी मैंने कि जो हमारी जो पृथ्वी है या हमारा जो सौर मंडल है यह मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। मंदाकिनी या मिल्की वे। और इन सभी की मतलब आकाशगंगा, तारे, ग्रह और उपग्रह, इन चारों की परिभाषा भी मैंने पिछली क्लास में बताई थी। अब जो आकाशगंगा है ये एक गैसों का, वैसे तो असंख्य तारे होते हैं इसमें, लेकिन ये गैस, इसमें अधिक मात्रा में गैस भी होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो तारे हैं, जो सूर्य है, जो सूर्य है ये तारा ही है। ठीक है, यानी जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है उसे तारा कहते हैं और जो सूर्य है यह तारा है क्योंकि इसमें ऊर्जा होती है। जो तारे हैं इसमें ऊर्जा होती है इसलिए ये अपने स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। अब जैसे सूर्य है इसमें हीलियम, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस और हीलियम, ये दोनों ही गैस इसमें पाई जाती है। अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होती है इसमें और इसमें जैसे संलयन क्रिया होती है। ठीक है, नाभिकीय संलयन जैसे कहते हैं हम, नाभिकीय जो संलयन है तो इसमें संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, और उससे जो सूर्य है इसमें ऊर्जा बनती है क्योंकि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के प्रकाश उन पे आता है। जैसे पृथ्वी है, उदाहरण के लिए जैसे पृथ्वी को हम लेते हैं, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्य से ही मिलती है। जैसे पृथ्वी पर जैसे पादप है या जो पेड़ पौधे हैं वो सभी सूर्य से अपना भोजन बनाते हैं और उन्हीं पादप को हम मनुष्य अपना भोजन बनाता है, इसलिए एक ऊर्जा प्रदान करता है सूर्य। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट रूप से ही हम सूर्य पे निर्भर हैं। उसके बाद ग्रह हैं, तो देखिए जो ग्रह हैं, ग्रहों की संख्या वर्तमान में 8 है। जो सौर मंडल है हमारा उसमें ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, वर्तमान में 2006 से पहले ग्रहों की संख्या, 2006 से पहले या 2006 तक ग्रहों की संख्या 9 थी। ठीक है, उस समय तक 9 ग्रह थे। बाद में जो पृथ्वी का सबसे अंतिम ग्रह था, ठीक है, जो सूर्य की दूरी के क्रम में जो सबसे अंतिम ग्रह था जिसे हम यम, कुबेर या फिर प्लूटो कहते हैं। ठीक है, ये 9वां ग्रह था पृथ्वी का। ठीक है, सूर्य के दूरी के क्रम में 9वां स्थान था इसका, तो इसको 2006 में ग्रहों के क्रम से हटा दिया गया। तो इसलिए अब 2006 के बाद, ठीक है, 2006 के बाद केवल 8 ग्रह हैं अपने।
ठीक है, आठ ही ग्रह हैं अपने 2006 के बाद। ठीक है, इसमें जैसे जो ग्रह की परिभाषा बताई थी आपको, ग्रह उसे कहेंगे जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए। ठीक है, वो तो कहलाता है ग्रह, लेकिन साथ में जो ग्रह है वो अपनी परिधि में ही चक्कर लगाना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक ग्रह है उसकी एक निश्चित परिधि है, उसी में उसको चक्कर लगाना चाहिए। लेकिन जो यम ग्रह है या कुबेर है या प्लेटो है, ये दूसरे ग्रह की परिधि में चला जाता था, ओवरलैप करता था, इसलिए यम को या प्लूटो है इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। वर्तमान में इसे बोना ग्रह कहते हैं, जो बोना ग्रह है उस श्रेणी में इसे डाल दिया है प्लूटो को। ठीक है, अब हम जानते हैं जो आठ ग्रह कौन से हैं अपने। देखिए, सबसे पहले है बुध, बुध या मरकरी। सेकंड है शुक्र या विनस। तीसरा हमारी पृथ्वी अर्थ। चौथे स्थान पे आ जाएगा अपना मंगल या मार्स। पांचवे पर आएगा बृहस्पति या जुपिटर। छठे पे आ जाएगा शनि या सैटर्न। सातवें पे आएगा अरुण, अरुण या यूरेनस। ठीक है, आठवें पे आएगा वरुण, नेपच्यून। ठीक है, ये ग्रह का क्रम है अपने, ये आठ ग्रह हैं अपने। सबसे पहले है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये आठ ग्रह हैं। अब ये जो ग्रहों का क्रम है ये सूर्य के दूरी के अनुसार है। सूर्य से दूरी के अनुसार, ठीक है, ये ग्रहों का क्रम है ये। ठीक है, उसके बाद हम इन ग्रहों की कुछ जानकारी लेते हैं, संक्षिप्त है जानकारी हम लेते हैं। अब जैसे बुध ग्रह है, यह अपने जो सौर मंडल है इसका सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है ये। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह है, और जैसे सूर्य के अनुसार दूरी का जो क्रम है, और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, सूर्य से सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक है यह बुध ग्रह है। ठीक है, बुध की ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, कोई उपग्रह नहीं है इसका। ठीक है, कोई उपग्रह नहीं है। एक और इसकी विशेषता है, ये मात्र 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, अब जो ये ग्रह है बुध, तो मात्र सबसे कम दिन में, जितने भी अपने सौर मंडल है, सॉरी सौर मंडल नहीं, जो ग्रह है उन ग्रहों में सबसे कम समय में जो बुध ग्रह है, जिसे मरकरी भी कहते हैं, ठीक है, तो ये सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। सबसे कम समय है 88 दिन में। ठीक है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को 365 दिन लगभग लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। ठीक है, अब जानते हैं शुक्र, शुक्र या विनस। देखिए, जो बुध ग्रह है इसका कोई उपग्रह नहीं है, उसी तरह से जो शुक्र है इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो हमारे सौर मंडल में दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। ठीक है, शुक्र की अन्य विशेषताओं में है कि इसे
भोर या सांझ का तारा, भोर या सांझ का तारा भी कहते हैं, ठीक है, शुक्र को, क्योंकि यह हमें प्रातः काल में और शाम को हमें तेज चमकता हुआ दिखाई देता है शुक्र ग्रह, ठीक है। इसकी जो चमक क्या है, तेज चमक है इसकी, ठीक है, तेज चमकता हुआ दिखाई देता है। हम अपनी मतलब बिना किसी टेलीस्कोप के माध्यम से भी हम शुक्र ग्रह है इसे देख सकते हैं, अपने नंगन आंखों से डायरेक्ट देख सकते हैं इसको, इसके लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है शुक्र ग्रह को देखने के लिए। उसके बाद जो शुक्र ग्रह है सर, ये सबसे गर्म है, सबसे गर्म ग्रह है सौर मंडल में, जितने भी आठ ग्रह हैं उनमें सबसे अधिक जो गर्म ग्रह है वो शुक्र ग्रह है, ठीक है। अब देखिए सूर्य के सबसे नजदीक तो है बुध, ठीक है, सबसे नजदीक है बुध ग्रह, लेकिन सबसे अधिक गर्म बुध नहीं होकर शुक्र है, क्योंकि शुक्र पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड गैस, इसकी मात्रा अधिक है, ठीक है, इस वजह से जो शुक्र ग्रह है वो सबसे गर्म ग्रह है सौर मंडल का, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं हमारी पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी में देखिए, देखिए जितने भी जो हमारा सौर मंडल है उनमें जो जीवन है वो केवल पृथ्वी पर ही है, ठीक है, जो जीवन है वो केवल पृथ्वी पर ही है। उसके बाद इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है, लगभग जो जल है पृथ्वी पर 70.8% भाग पर तो जल है और जो स्थल है 29.2% भाग पर स्थल है, तो जल की जो मात्रा है वो पृथ्वी पर अधिक है। जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो वो एक नीले रंग में हमें दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो पृथ्वी है ये, इसका एक उपग्रह है, एक उपग्रह, ठीक है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है, ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह भी दो तरह के होते हैं, एक तो मनुष्य के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं सैटेलाइट, ठीक, और एक होते हैं प्राकृतिक, ठीक है। जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। उसके बाद हम बात करेंगे मंगल ग्रह की, ठीक है। अब देखिए जो मंगल ग्रह है इसको लाल ग्रह भी कहते हैं, लाल ग्रह, लाल ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इसलिए जो मंगल ग्रह है हमें लाल दिखाई देता है। उसके बाद पृथ्वी की तरह यहां जो मंगल ग्रह है यहां ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है उसी तरह से यहां भी ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। और इसके दो उपग्रह हैं, जो मंगल है इसके दो उपग्रह हैं, डिमोस और फिबोस, ठीक है, ये दो इसके उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, ठीक है, फोबोस और डिमोस, ये दो इसके उपग्रह हैं। जो डिमोस उपग्रह हैं ये सौर मंडल का सबसे
छोटा उपग्रह है, ठीक है, जो डिमोस उपग्रह है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है ये डिमोस। इसके अलावा मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी है, मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी है, ठीक है, इसका नाम है ओलिपस मेसी, ओलिपस मेसी, ये ज्वालामुखी है मंगल ग्रह पर। उसके अलावा यहां पर एक सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, ये क्या है सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है यह, ठीक है, निक्स ओलंपिया है सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है यह, निक्स ओलंपिया। उसके बाद एक ज्वालामुखी भी है यहां, ठीक है, ओलिपस मेसी मंगल ग्रह पे, ठीक है। नेक्स्ट है अपने बृहस्पति ग्रह, ठीक है, देखिए बृहस्पति जो ग्रह है यह है सौर मंडल का सबसे बड़ा, ठीक है, यह है सौर मंडल का सबसे बड़ा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है यह, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है यह सौर मंडल का बृहस्पति ग्रह, ठीक है, और इसका एक उपग्रह है गैनीमिड, उपग्रह है गैनीमिड, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, बृहस्पति ग्रह है, इसका जो उपग्रह है गैनीमिड यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, और इसकी एक विशेषता यह है कि यह सबसे कम समय में, ठीक है, लगभग 10 घंटे, ठीक है, लगभग 10 घंटे में यह घूर्णन कर लेता है, यानी अपने जो अक्ष है उस पर यह घूम लेता है सबसे कम समय में, ठीक है। देखिए सबसे कम समय में परिक्रमा तो करता है बुध ग्रह, और जो घूर्णन है सबसे कम समय में वो करता है बृहस्पति, ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट ग्रह है शनि, सैटर्न, ठीक है, शनि ग्रह है, ये देखिए ये एक तो है वलयाकार, इसके चारों तरफ वले बने हुए हैं, जैसे ये ग्रह है इसके वले बने हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, ये वलयाकार ग्रह है शनि। जो अन्य ग्रह है इनकी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, कम ही विशेषताएं हैं इनकी, और इसका यह है कि जो शनि ग्रह है इसका जो घनत्व है सबसे कम है, सबसे कम घनत्व है इसका, ठीक है, जितने भी ग्रह हैं सौर मंडल में उनमें सबसे जो कम घनत्व है यह शनि का है, और सबसे अधिक जो घनत्व है वह पृथ्वी का है, ठीक है, सबसे अधिक घनत्व वो पृथ्वी का है, ठीक है, 5.5 माना जाता है इसका, ठीक है, पृथ्वी का जो घनत्व है वो 5.5 है। शनि के बाद है अरुण ग्रह, देखिए जो अरुण ग्रह है ये अपने अक्ष पर अधिक झुका हुआ है, अधिक झुका हुआ होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, जैसे अरुण को, ठीक,
और उसके बाद वरुण है। जो वरुण है, नेपच्यून है, ये सबसे दूर स्थित ग्रह है, सबसे दूर स्थित है। ये जो सूर्य है, इसके सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण ग्रह। तो ये तो थी ग्रहों के बारे में कुछ संक्षेप में जानकारियां थी इनकी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे बात इनके ठीक है। अब कुछ सामान्य मगर महत्वपूर्ण जानकारियां है, जैसे जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो मतलब किस दिशा से किस दिशा की ओर गमन करती है। इसमें देखो, जो पृथ्वी है यह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ठीक है गमन करती है या घूमती है, पृथ्वी है ठीक है। तो ये पृथ्वी का दिशा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है ठीक है, जो पृथ्वी है। इसीलिए जो पूर्व दिशा है ये आगे होती है, इसलिए सबसे पहले जो सूर्योदय है ये पूर्व दिशा में ही होता है ठीक है। इसके बाद एक ये जानकारी और है कि जैसे प्राचीन समय में जो पृथ्वी है इसको सौर मंडल के केंद्र में माना जाता था, ये उस समय के विद्वानों की यह विचारधारा थी कि जो पृथ्वी है यह सेंटर में है, जो सूर्य है, तारे हैं, इसके चारों ओर घूमते हैं या चक्कर लगाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वैज्ञानिक विचारधाराएं आई, उन्होंने बाद में बताया कि जो पृथ्वी सेंटर में नहीं होकर जो सूर्य है वो सेंटर में है और जो पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है ठीक है। देखिए, ये सबसे पहले जैसे कोपरनिकस ठीक है, इसने ये बताया था कि सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, कि सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है ठीक है, और जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ठीक है। ये कोपरनिकस ने बताई थी ये बात। उसके बाद केपलर आता है ठीक है, केपलर ग्रहों की गति के नियम, ग्रहों के गति के नियम केपलर ने दिए थे, इसलिए इन दोनों को ही आधुनिक खगोल विज्ञान का पिता कहते हैं। जो कोपरनिकस है और जो केपलर है, इन दोनों को ही आधुनिक खगोल विज्ञान का पिता कहते हैं ठीक है। तो आधुनिक के बाद जैसे अब प्राचीन की बात करें तो जो अनैक्सिमेंडर है, अनैक्सिमेंडर अनैक्सिमेंडर है, इसे प्राचीन खगोल विज्ञान का पिता कहते हैं ठीक है। अनैक्सिमेंडर को ये यूनानी और ग्रीक विद्वान थे ये ठीक है। कोपरनिकस ने तो 15वीं सदी में ये दिया था कि जो सूर्य है वो केंद्र में है, न कि पृथ्वी केंद्र में है ठीक है। अनैक्सिमेंडर का जियोग्राफी में यह भी है योगदान, इसने सबसे पहले विश्व का सबसे पहले मानचित्र बनाया था, विश्व का
पहले मापक के आधार पर, ठीक है, मापक के आधार पर मानचित्र बनाया था। ठीक है, तो विश्व का सबसे पहले जो मानचित्र है वो अनैक्सिमेंडर ने बनाया था। ठीक है, तो प्राचीन खगोल विज्ञान का पिता भी अनैक्सिमेंडर को कहते हैं और आधुनिक खगोल विज्ञान का पिता ये कोपरनिकस और केपलर को कहते हैं। वैसे तो ब्रह्मांड के बारे में बहुत सी जानकारियां हैं, बताते जो वो कम ही है। ठीक है, आधुनिक है, नए नए सिद्धांत चल रहे हैं और जैसे मॉडर्न थ्योरी है, बिग बैंग सिद्धांत माना जाता है कि एक कण था उसमें विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो जहां तक जो सिलेबस अपने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का, उसके लिए ये पर्याप्त रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम पृथ्वी की उत्पत्ति जानेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो विद्वानों ने अपने सिद्धांत दिए हैं, जैसे लाप्लास का निहारिका सिद्धांत, ये जेम्स जींस की ये ज्वारीय परिकल्पना और बिग बैंग सिद्धांत जो कि जॉर्ज लेमेटेर ने दिया था, इनके विषय में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।